नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने 5 जनवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में 6 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2021 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 हेतु तैयारी कर रहे हैं, यानी कि फरवरी 2021 में जो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए आखिरी वीडियो होगा। यानी कि 15 जनवरी 2021 तक के ही आपको करंट अफेयर तैयार करना है सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 हेतु। तो इसके बाद का जो सेशन होगा वो रुकेगा नहीं। तो जो स्टूडेंट सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021 हेतु, जिसका एग्जामिनेशन 2022 में होने वाला है, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन कंटिन्यू रहेगा, आप देखते रहिएगा। लेकिन अगर इस वर्ष फरवरी में जो पेपर होने वाला है उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आप रुक जाइएगा। बाकी जो आपका टाइम बचता है रिविजन में लगाइए, बाकी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में लगाइए और बाकी सब्जेक्ट्स का जो रिविजन है उसमें लगाइए। आज तक का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दिसंबर 19 से लेकर आप 15 जनवरी 2021 तक के करंट अफेयर को प्रिपेयर करेंगे प्रीलिम्स 2020 हेतु। ठीक है, तो जो आगे मेंस का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, क्योंकि पिछला भी मेंस नहीं हुआ है, और 2022 में जो एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए करंट अफेयर्स रेगुलर जारी रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन 2021 वालों के लिए ये आज का आखिरी सेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप रिवीजन पे फोकस रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने जितने क्वेश्चंस एनालिसिस किया था उस आधार पे, जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उस आधार पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की डायनेमिक रैंकिंग में देश में कौन सा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। क्लियर है? हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने पूरे साल भर करंट अफेयर को बेहतर तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है और बेहतर तरीके से रिवाइज नहीं किया है, तो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम बनाया है जो लगभग 22 से 25 घंटे का प्रोग्राम है, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक सर्वे या फिर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, हर एक पहलू को शामिल किया गया, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो तो उस कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लें या फिर हमारे एप्लीकेशन पर विजिट करके भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने पूरा इस वीकली सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखा है, आपने नोट्स बनाया है रिविजन के लिए, बेहतर तरीके से आप अपने को तैयार रख रखे हो, तो फिर उसे परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका करंट अफेयर तैयार है। लेकिन हाँ, अगर आपने बेहतर तरीके से रिविज़न नहीं किया है या फिर आप बेहतर तरीके से रिवीजन करना चाहते हो या फिर आपने पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं, कम समय में आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप करंट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 में इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ की किस कला का प्रदर्शन किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आज के हम अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन से रिलेटेड। कोविड 19 का वैक्सीन लॉन्च हो चुका है और टीकाकरण की शुरुआत भी हो चुकी है पूरे देश भर में 16 जनवरी से, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो चुका है। पहले फेज हेतु पूरे देश भर में लगभग 2.5 करोड़ डोज जो है वो तैयार किया गया है, और जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं पहले फेज में उन्हें लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत कब से हुआ है वैक्सीनेशन का, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैक्सीन की टोटल साइट कितना बनाया गया वैक्सीनेशन की, तो वो है 99, यानी कि 99 केंद्र बनाए गए हैं पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, जहां पर कोविड 19 का टीकाकरण लगाया जाएगा। प्रथम चरण में टीके लगाए जाएंगे 2,67,399 हेल्थ केयर वर्कर्स को, और छत्तीसगढ़ को जो है कोविशील्ड का वैक्सीन प्राप्त हुआ है। कोविशील्ड वैक्सीन वही वैक्सीन है जिसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया ऑक्सफोर्ड की मदद से। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है छत्तीसगढ़ को पहले फेज में मिला है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो कितने डोज मिले हैं छत्तीसगढ़ को, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो टोटल डोज है 3,32,000 डोज जो है वो छत्तीसगढ़ को मिला है।
इसके साथ आपको ये याद रखना है कि सबसे पहली वैक्सीन छत्तीसगढ़ में किसे लगाया गया, तो नाम है तुलसा तांडे। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला वैक्सीन जो है छत्तीसगढ़ में इसे ही लगाया गया, तुलसा तांडे, जो कि अंबेडकर अस्पताल रायपुर की हेल्थ वर्कर है। क्लियर है, किसके द्वारा लगाया गया, यानी कि छत्तीसगढ़ की पहली वैक्सीन जो है किसके द्वारा लगाया गया, इस नाम को भी याद रखिएगा, नाम है लक्ष्मी साहू। ये है वैक्सीनेशन ऑफिसर, अभी कोविड वैक्सीनेशन ऑफिसर है छत्तीसगढ़ के लिए, इन्हीं के द्वारा जो है, लक्ष्मी साहू के द्वारा तुलसा तांडी को जो है पहला वैक्सीन लगाया गया है। तो इतने पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, आपके लिए काफी होगा। क्लियर, चलिए इसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। क्लियर है, तो सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पूरे प्रदेश भर के, यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 4473 प्राइवेट स्कूलों के शिक्षण शुल्क की जो प्रतिपूर्ति है वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कर दिया गया है, यानी कि उन स्कूलों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया है, और ये रकम है 101 करोड़ रुपए का। और छत्तीसगढ़ राज्य जो है पहला ऐसा राज्य है जहां सिर्फ कोरोना काल में 51,985 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत, और यहां पर व्यवस्थित तरीके से जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर उन स्कूलों में कर दिया गया है। मैं आपको बताने वाला हूं कि राइट टू एजुकेशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को फंड ट्रांसफर क्यों किया, इस पे हम आगे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर और समझ लीजिए कि अब तक शिक्षा के अधिकार के तहत, यानी कि जब से राइट टू एजुकेशन आया है और जब से प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चे या फिर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे एडमिशन लेना शुरू किए हैं, तब से 33,65,552 छात्र जो है राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने के मामले में लाभान्वित हो चुके हैं। ये नंबर आप याद रखिएगा, मेंस में भी बहुत काम आएगा, वैल्यू एडिशन के रूप में ये भी नंबर याद रखिएगा, वैल्यू एडिशन के रूप में बहुत काम आएगा। अब यहां पर समझिए कि राइट टू एजुकेशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को फंड ट्रांसफर क्यों किया। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत ये प्रोविजन किया गया है कि प्राइवेट स्कूलों में 25% की सीटें जो है वो रिजर्व रहेंगी गरीब बच्चों के लिए या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन बच्चों के लिए, और इस 25% सीटों पर जो एडमिशन है सरकार द्वारा निजी स्कूलों में कराया जाएगा, यानी कि इन 25% जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे भरे जाएंगे इसका, इनका जो फीस है पूरी तरह से सरकार वहन करेगी, यानी कि सरकार द्वारा दिया जाएगा, इसीलिए 101 करोड़ रुपए का जो ट्रांसफर है प्राइवेट स्कूल्स में किया गया है। क्लियर, राइट टू एजुकेशन के बारे में भी आप यहां पर समझ लीजिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया था, जो कि इफेक्टिव हुआ, जो कि लागू हुआ आपका 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। और यह राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो लाया गया वो इफेक्टिव कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। ये भी याद रखिएगा कि संविधान का संशोधन नंबर 86 थे, और संविधान के इस संशोधन के तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया, कौन सा, मौलिक अधिकार में 21A, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, और उसके तहत कहा गया कि हर किसी को, यानी कि 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया 21A के तहत, और इसी के तहत, यानी कि इसी अमेंडमेंट के तहत जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया, जो कि इफेक्टिव हुआ आपका 1 अप्रैल 2010 से। तो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में ये प्रोविजन, 25% जो गरीब बच्चे या फिर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन दिया जा रहा है, सरकार कितना फंड ट्रांसफर कर रही है, और इसके अलावा शिक्षा के अधिकार के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक कितने बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं, इन सबका डेटा यहाँ पर है। तो आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस के लिए, ठीक। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ सब क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये क्यों न्यूज में वो समझेंगे। तो भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विश्व की प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम है इंटेल, इसके सहयोग से आयोजित एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, और ये देश में केवल सरकारी स्कूलों के छात्रों का नवीनतम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत उनका चयन करने के लिए कि उस क्षेत्र में वो किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ है इस कार्यक्रम में सिर्फ चयन किनका किया जाता है, तो पूरे देश भर से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का किया जाता है। और अब इसी के तहत स्वामी विवेकानंद
जीके जयंती के अवसर पर यानी कि युवा दिवस के अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ प्रोग्राम के फेज टू के तहत छत्तीसगढ़ से 9 छात्रों का चयन किया गया है और इस 9 क्षेत्र में छात्र में से 7 छात्र जो हैं वो एक ही स्कूल के हैं। स्कूल कहां है? महासमुंद जिले में। स्कूल का नाम क्या है? तो शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्रा विकास खंड है आपका बागबहरा। तो याद रखिएगा 9 का चयन किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ के लिए, जिसमें से 7 विद्यार्थी जो है एक ही स्कूल से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर है। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है राजवीरता पुरस्कार 2021। इसका अनाउंसमेंट हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कर दिया गया है और इस वर्ष राजवीरता पुरस्कार 2021 से प्रदेश के 3 बहादुर बच्चों का जो है वो चयन किया गया और 26 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा और 26 जनवरी 2021 को इन तीनों बच्चों को जो है वो सम्मानित किया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। अब इन तीन बच्चों का चयन किसके द्वारा किया गया? तो इन तीन बच्चों का चयन एक जूरी के द्वारा किया जाता है और उस जूरी का नाम है राज्य बाल कल्याण परिषद। इस परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी हैं और छत्तीसगढ़ राज्य बाल विकास कल्याण परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं, यानी कि एक पक्ष की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से और एक विपक्ष की तरफ से। इस जूरी के द्वारा जो है किसको दिया जाएगा वीरता पुरस्कार उसका चयन किया गया है। 3 लोग हैं, इन तीनों का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है रायपुर जिले की रहने वाली है, रायपुर के टिकरापारा की 12 वर्षीय है कुमारी उन्नति शर्मा। दूसरा नाम है धमतरी जिले की कुरूप निवासी है, 12 वर्षीय भी है ये भी है कुमारी जानवी। और तीसरी दुर्ग जिले की है, खुड़मुड़ा गांव की रहने वाला है जिसका नाम है चिरंजीव दुर्गे सोनकर। तो तीनों का नाम याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि राजवीरता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में तीनों दे दिया, उसके बाद लास्ट ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द अबव, तो आपको ऑल ऑफ द अबव लगाना है। तीनों का नाम याद रखिएगा। चलिए जो अगला टॉपिक है इन्वेस्टर्स के लिए अनुकूल राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ को टॉप 10 में रखा गया है, क्लियर है टॉपिक। चलिए तो अब यहां पर समझ लीजिए कि वैश्विक महामारी यानी कि कोविड-19 के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी के दौर में देश में टॉप 10 सर्वाधिक प्राइवेट इन्वेस्टर्स प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। किसके अनुसार? प्रोजेक्ट टुडे की एक ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 की तीसरी तिमाही में अक्टूबर से दिसंबर 2020 के बीच छत्तीसगढ़ को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,228 करोड़ रुपए के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जो प्रस्ताव है वो प्राप्त हुआ है और यही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में, ये टॉपिक मैं आपको पिछले बार भी पढ़ा चुका हूँ कि पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट के लिए लगभग 104 MOU स्टार्ट यानी कि MOU जो है वो प्राइवेट कंपनीज के साथ में किया गया है, ठीक है। और इनके माध्यम से प्रदेश में 42,714 करोड़ रुपए का पूंजी का जो है वो निवेश प्रस्तावित है। तो इस टर्म के लिए कितना? 10,228 टोटल 2 वर्षों में 42,714 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा और इस बात को भी याद रखिएगा कि पिछले ही वर्ष 2019 में आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया था जो कि 2024 तक चलेगा। तो इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत सारे प्रोविजंस भी किए गए थे। इसमें से एक प्रोविजन ये है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में कोई प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट डालना चाहती है तो उसको लैंड पर 30% तक का छूट दिया जाएगा। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, इसके अलावा सोलर एनर्जी के सेक्टर में, रोबोटिक्स के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, बायोफ्यूल के मामले में, अगर इस तरह के इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में आते हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उन्हें जो है एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। और उसी के तहत जो है आपका सबसे पहला जो बायोफ्यूल प्लांट लगाया जा रहा है भोरमदेव में, कवर्धा में भोरमदेव आपका सहकारी शक्कर कारखाना। तो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए, बहुत सारे छूट दिए गए, उसी का एक नतीजा ये है। तो जितने भी डेटा यहाँ पर है इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ में इस बार अलग से बजट का प्रोविजन किया जाएगा, यानी कि एकदम स्पेसिफिक रहेगा कि यह जो बजट है वो बच्चों के लिए है। खासकर देखिए अभी जो बच्चों के लिए जितने भी स्कीम्स चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से या फिर जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं
वो अलग अलग डिपार्टमेंट में फंड दिया जाता है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो गया, उसमें एक अलग से फंड दिया जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय में अलग से फंड दिया जाएगा। लेकिन सरकार की मंशा ये है कि बच्चों के लिए जितना भी फंड है, जितने भी उनके लिए वेलफेयर्स का काम किया जाता है, सबको एक जगह कर दिया जाए। तो इसीलिए इस बार जो है बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रोविजन किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। तो यह जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ की, तीसरा बजट है, इसमें बच्चों के लिए अलग से काम कर रहे हैं। तकरीबन चार पांच विभाग के कामों को एक ही जगह लाने की योजना है, जैसे मैंने कि आपको बताया। और यह जो चाइल्ड बजट का कॉन्सेप्ट है, देश के कुछ राज्यों में पहले से ही लागू है। इनमें से कुछ राज्य कौन कौन से हैं, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहां पर यह समझ लीजिए कि चाइल्ड बजट यूनिसेफ की उस योजना का ही हिस्सा है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टारगेट रखा गया है उसके तहत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट क्या है, यूनिसेफ का 2030 तक, जिसे कि छत्तीसगढ़ ने भी अडॉप्ट किया है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, क्लियर है। और इस योजना को छत्तीसगढ़ ने भी 2030 तक के लिए अपने छत्तीसगढ़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो विजन है, जो गोल है, उसको अडॉप्ट किया है, क्लियर है। तो इसके अलावा यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये चार राज्य और कौन है जिन्होंने चाइल्ड बजट को अडॉप्ट किया है छत्तीसगढ़ से पहले, हालांकि छत्तीसगढ़ अभी अडॉप्ट नहीं किया, इस वर्ष करने वाला है। तो वो चार राज्य हैं, केरल है, असम है, बिहार है और कर्नाटक है। तो इन चार राज्यों के बारे में भी आप याद रखिएगा। तो चाइल्ड बजट अलग से किया जाता है एक वैल्यू एडिशन के रूप में, आप अपने मेंस के एग्जामिनेशन में इसको शामिल कर सकते हो, और प्रीलिम्स में भी अगर पूछा जाता है तो आप इतने पॉइंट्स को अगर याद रखते हो तो हो जाता है। इसके अलावा कुछ अदर यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ष 8 लाख बच्चों का जन्म होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि वर्तमान समय में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जो छत्तीसगढ़ में संख्या है वो 80 लाख है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना होगा। अगर कभी भी बच्चों से रिलेटेड आप वैल्यू एडिशन करना चाहते हो तो वो बिल्कुल कर सकते हो ये सब, ठीक है। चलिए, इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में आप और याद रखिएगा कि सिर्फ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को 2200 करोड़ रुपए का फंड दिया गया छत्तीसगढ़ के बजट में 2020 और 21 के अनुसार। ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं, 2020 और 21 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को 2200 करोड़ रुपए का फंड दिया गया, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए जो खर्च हैं वो बच्चों के ऊपर किए गए, यानी कि 0 से 18 वर्ष तक के उनके बच्चों के भी, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, या फिर उनके लिए जो स्कीम्स लाते हैं, जो वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उस सबको एक जगह लाने का सरकार का मंशा है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है और आज के इस एनालिसिस वीडियो का जो लास्ट का टॉपिक है, आदर्श थाना योजना। आपको याद है कि कुछ दिन पहले ही हमने इस टॉपिक को एनालिसिस भी किया था कि पूरे देश भर में उत्कृष्ट थाना रैंकिंग रिलीज किया गया था सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें 4th रैंक प्राप्त किया था छत्तीसगढ़ का भी एक थाना, जो कि सूरजपुर का ये थाना था। उस थाना का नाम था आपका झिलमिली, ठीक है। इस थाने का नाम याद रखिएगा, झिलमिली थाना को उत्कृष्ट थाना का अवार्ड दिया गया था सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की तरफ से, 4th रैंक इसने प्राप्त किया था। उसके बाद जो आपके डीएम हैं, जो कि आपके पुलिस महानिदेशक हैं, जिनका नाम है डीएम अवस्थी, इन्होंने ये घोषणा किया कि पूरे प्रदेश भर में आदर्श थाना घोषित किया जाएगा इस योजना के तहत 1 जनवरी से। और इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श थाना घोषित किया जाना जरूरी है। तो प्रत्येक जिले में आदर्श थाना घोषित किए जाने से यह होगा कि उस जिले में जितने भी बाकी थाना है तो वो थाना में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगा आदर्श थाना बनने को लेकर। आदर्श थाना का कहने का मतलब यह है कि वहां कैदियों से कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उस थाने का जो डिसिप्लिन है वो कितना मेंटेन रहता है, सारे पहलुओं को वहां पर इकट्ठा करने के बाद आदर्श थाना का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो अगर ये एक पहल लिया गया है कि हर जिले में एक आदर्श थाना का अनाउंसमेंट जरूरी है, हर साल होगा, हर साल थाना बदलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है ताकि यहां पर थानों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ सके, उनके बीच में भी मोटिवेशन आ सके, वो भी कुछ अच्छा काम कर सके, ठीक। तो इसलिए आदर्श थाना योजना के बारे में आप ध्यान रखिएगा। और ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सूरजपुर के झिलमिली थाना को जो 4th रैंक मिला है पूरे देश भर में उत्कृष्ट थाना रैंकिंग में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर है। तो चलिए, आज के इस एनालिसिस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और हाँ, 15 जनवरी तक के आप करंट अफेयर को तैयार कर लीजिएगा, अगर फरवरी में आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला और एग्जाम देने वाले हो तो।
क्लियर है, बेहतर तरीके से तैयार करके जाइएगा, अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाइएगा। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।